हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये देखिए, ये है एलोवेरा। और एलोवेरा के क्या क्या फ़ायदे हैं अभी मैं आपको बता दूंगी। अभी मेरे शरीर में मतलब वात बढ़ी हुई है तो पीठ में दर्द हो जाता है, कई बार हाथ तो और पैरों में दर्द हो जाता है जब भी वात बढ़ती है। तो गाइस देखिए, वात बढ़ने में मैं एलोवेरा का प्रयोग आपको बताऊँगी। और इसको खाने से डाइजेस्ट सिस्टम ठीक होता है, गैस्ट्रिक ठीक होती है और मोटापा ठीक होता है। इसके काफ़ी सारी बेनिफिट हैं तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसका यूज़ देखिए कैसे करते हैं। इसको मैंने किनारे इसके काट लिए हैं और जब हम पौधा तोड़ के लाते हैं तो इस तरह हम आधे घंटे के लिए उठा के रख देते हैं तो इसका कड़वाहट भी निकल जाती है। मुझे ये पत्ता ही सूट करता है। जब मैं मार्केट का जूस ले कर आती हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है मेरे लिए। तो मैं ये मेरे घर में पौधे लगे हुए हैं तो मैं इसका एक पत्ता तोड़ कर ले आई हूँ आधा के करीब। और देखिए मैं इसको छील लूँगी। तो मेरे इससे फ़ायदा होता है तभी मैंने इस पर वीडियो बनाई है। मैंने यही सोचा कि चलो अपनी जो फ़ायदा होता है उसको शेयर कर लेती हूँ वीडियो में आप लोगों के साथ। तो ये देखिएगा, इसका सारा गुद्दा निकाल लेंगे। अब ये छील तो लिया है, थोड़ा सा ये ख़राब था, यहाँ से निकाल देंगे। तो ये हम निकाल देंगे, इसको मैंने ले लिया है। तो गाइस ये लेने के बाद ये चक्कू से नहीं निकलता, जब चक्कू से निकालते हैं तो ये टूट जाता पत्ता पीछे का। ये जो चम्मच होती है या पतली चम्मच ले लो उससे और जल्दी निकल जाता है। चम्मच से निकालेंगे, चम्मच से गुद्दा निकालते हैं। और ये जो मैं ले आई थी इसको मैंने धो भी लिया था, इसमें मिट्टी लगी हुई थी। जब इसको ऐसे निकालेंगे तो मिट्टी में भर जाता है तो पहले काटने से पहले इसको धोना पड़ेगा। तो मैंने इसको धो लिया था। यहाँ से पकड़ेंगे देखिए गाइस, और इस तरह से चम्मच लेके बहुत ही जल्दी इसका गुद्दा निकल जाता है। दो चम्मच के करीब गुद्दा इसका आप खा लो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए गाइस, ये गुद्दा निकल गया। इसको मैं निकाल लूँगी कटोरी में। इसका आप पानी डालकर जूस बनाकर भी खा सकते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये थोड़ा सा ये ऐसा होता है लिचली सा, तो ये खाने को मन नहीं करता, खा भाता नहीं है। तो गाइज आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं भाता है तो। थोड़ा सा पानी डाल लो और साथ में आप इसमें नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, गिलोई, कड़ी पत्ता वगैरह ये सब डालकर भी पी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको कल्ला भी पी सकते हैं। देखिए इसका भी निकाल लूँगी अब मैं गुद्दा। ये देखिए गाइस, ये जोड़ों के दर्द में भी इसका रस काम आता है, घुटनों के दर्द में काम आता है। अगर घुटनों में दर्द है तो आप इसको खा लो और इससे मालिश भी हो जाती है। इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसको मैं फेंक दूंगी। जो गुद्दा मैंने निकाला है इसको हम इस तरह से खा लेंगे चम्मच से। खाने के तुरंत 5 मिनट बाद मतलब इसका फ़ायदा हो जाता है, मतलब दर्द ख़त्म हो जाती है। ये देखिए मैं खाऊँगी इसको। ये कड़वा भी नहीं है गाइज, अच्छा पौधा है। दो तरह के पौधे आते हैं, एक कड़वा आता है एक बिना कड़वा पौधा आता है। जब भी मेरी पीठ में दर्द होता है मैं इसको ही खाती हूँ। और देखिए गाइज सारा खा लिया है, उसका रस भी मैं ले लूँगी। तो गाइज मैंने तो खा लिया, अभी मेरा 5 मिनट बाद पीठ का दर्द अपने आप चले जाएगा क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी का। जब भी मुझे पीठ में दर्द होता है हाथ में या सिर में तो मुझे पता है कि मेरी वात बड़ी हुई है क्योंकि कल मैंने कड़ी चावल खा लिए थे, वो मुझे सूट नहीं किए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस नुस्खे को आजमा कर देख लेना, बॉडी में कहीं पर भी आपके दर्द है तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो गाइज फिर वीडियो को ख़त्म करती हूँ यहीं पर।